हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विमल रॉय सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। विमल रॉय ने 1945 में आई मूवी हमराई से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में राधा मोहन भट्टाचार्य, विनोदा रॉय, रेखा मलिक और तुलसी चक्रवर्ती शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1948 में विमल रॉय की मूवी आई अनजान ग्रह। इस मूवी के लीड कास्ट में सुंदना बनर्जी, तुलसी चक्रवर्ती, विपिन गुप्ता, आशीष सेन और सुनील देशगुप्ता शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1952 में विमल रॉय की मूवी आई माँ। इस मूवी के लीड कास्ट में भारत भूषण, श्यामा, अचला सचदेव, नाजिर हुसैन और महमूद शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 60 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 10 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी-हिट रही। 1953 में विमल रॉय की मूवी आई परिणीता। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, मीना कुमारी, नाजिर हुसैन, शीतल, प्रतिमा देवी और बद्री प्रसाद शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 60 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 10 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी-हिट रही। इसी साल विमल रॉय की एक और मूवी आई 2 बीघा जमीन। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में बल्ला सैनी, सीमा कुमारी, महमूद, निरूपा रॉय और रतन कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 70 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 30 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी-हिट रही। 1954 में विमल रॉय की मूवी आई नौकरी। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, शीला रमानी, अचला सचदेव, महमूद, जगदीप और कन्हैयालाल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। इसी साल विमल रॉय की एक और मूवी आई बाप बेटी। इस मूवी के लीड कास्ट में नाली जयवंत, आशा पारेख, नाजिर हुसैन और रंजन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल विमल रॉय की 8वीं मूवी आई विराज बहू। इस मूवी के लीड कास्ट में कामिनी कौशल, अभि भट्टाचार्य, नाजिमा, प्राण और इफ्तिखार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1955 में विमल रॉय की मूवी आई देवदास। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, वैंती माला, सुचित्रा सेन, प्रतिमा देवी, मोतीलाल और मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1958 में विमल रॉय की मूवी आई मधुमति। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, वैंती माला, जॉनी वॉकर और प्राण शामिल थे। इस मूवी का बजट 81 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल विमल रॉय की एक और मूवी आई यहूदी। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मीनू मुमताज, अनवर हुसैन और नाजिर हुसैन शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1959 में विमल रॉय की मूवी आई सुजाता। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, नूतन, ललिता पवार, शशिकला, तरुण बोस और आशीष सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 30 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी-हिट रही। 1960 में विमल रॉय की मूवी आई परख। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में साधना, मुमताज बेगम, दुर्गा कोटे, कन्हैया लाल और आशीष सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 27 लाख रहा। भारत में कमाई 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी-हिट रही। 1962 में विमल रॉय की मूवी आई प्रेम पत्र। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, साधना शिवदासनी, सीमा देव, महेंद्र नाथ और सुधीर शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 38 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 76 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1963 में विमल रॉय की मूवी आई बंदनी। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे विमल रॉय। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, धर्मेंद्र, नूतन, मोनी चटर्जी, बेला बॉस और आशीष सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 30 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी-हिट रही। और यही अब तक की विमल रॉय सर की
डायरेक्ट या प्रोड्यूस की हुई आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको विमल रॉय सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल और मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।